तो भाई लोग सब का मेरे और एक वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले ब्लैक एडम के ट्रेलर का ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसे रिव्यू करने की आदत है। हम ऐसे कुछ ज्ञानी लोग तो नहीं है जो ब्रेकडाउन कर सकते, हम बस छोटे मोटे यूट्यूबर है जो कि सिर्फ रिव्यू कर सकते, अपना एक्सपीरियंस बता सकते और ट्रेलर कैसा लगा ये बता सकते, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और बात करते टेलर के हाईलाइट के बारे में, तो सबसे पहले टेलर के हाईलाइट है अपने रॉक भैया। भाई साहब क्या ही उनकी टकली चमक रही, मतलब वो एक अलग बात है कि ब्लैक एडम को कॉमिक्स में टकली नहीं है, लेकिन इस जगह पे उनको ऐसे बॉडी बना दिया, मतलब ऐसे टकला बना दिया है, तो वो अजीब बात है। लेकिन उस वाले सीन में रॉक भैया एकदम जज रहे, एकदम बाद में जिस तरह का कॉमिक में था वैसा ही डार्क रखने की कोशिश की है ब्लैक एडम में, जिस तरह का कॉमिक्स में था वैसा ही ब्लैक एडम को डार्क रखने की कोशिश की है। जैसे कि कॉमिक में वो डार्क बनता है, एंटी हीरो टाइप है, उसको कुछ भी किसी की भी परवाह नहीं है, उसे जस्टिस चाहिए तो वो किसी को भी मार सकता है, चाहे वो अमेरिका जस्टिस सोसाइटी हो या फिर सीजेएम, मतलब उसे कुछ भी ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई भी हो, सुपरमैन हो या फिर और कोई चमचा या चुचक पता नहीं, कोई भी हो सामने वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन फर्क किसे पड़ता है, रॉक भैया हमें मार के दिखाए, आई चैलेंज यू रॉक। साला पता नहीं कब घर में आके बैठ जाए, मेरे तो इधर ही फत के हाथ में आ जाएगी। सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो कमाल के रख रही है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, जिस तरह को टेल की एडिटिंग की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और ऐसा कुछ भी ऐसा रिवील करने की कोशिश नहीं की जैसे सोनी वाले करते या फिर डीसी वाले खुद भी करते, की एडिटिंग एकदम एक्यूरेट है जैसी होनी चाहिए थी, और सिनेमेटोग्राफी तो बिल्कुल ही बैटमैन जैसी है, उतनी भी ज़्यादा डार्क नहीं, उतनी भी ज़्यादा ब्राइट नहीं, एकदम एक्यूरेट, एकदम ड्यून टाइप, और पता नहीं किसके बारे में बात करूं, लेकिन एकदम एक्यूरेट सिनेमेटोग्राफी। लेकिन बाद में इस जगह पे पॉइंट आता है कि इसका विलन कौन होगा, सुपरमैन। अब डीसी तो बदल चुका है, वो किसी को भी वापस ला सकता है, तो इसका विलन तो वो नहीं होगा। घंटा भी हम लोग इस मूवी में उसे देख पाएंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब डिस्कवरी के अंडर सब कुछ है, डिस्कवरी कुछ भी कर सकता है कमाने के लिए, जब सब कुछ साइड में करके उन्हें सिर्फ इसका फर्क पड़ता है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, आप कुछ भी पॉसिबल है। और खुद आपने रॉक भैया तो धमकी दे रहे, तो हो सकता है। टेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ऑसम है, एकदम ऑसम। टेलर में लिखे गए डायलॉग, मतलब जो डायलॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गजब लेवल के, टेलर को एकदम अलग ही फील देते हैं। और एंडिंग वाला जो टाइटल के बाद आता है ना, वो मजे दिलाता है। ऐसा भी नहीं है कि मूवी पूरी तरह से डार्क होगी, हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत मूवी में कॉमेडी भी होगी, क्योंकि अगर रॉक भैया चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डीसी वाले मूवी कल भी रिलीज कर सकते हैं अगर रॉक भैया चाहेंगे तो, क्योंकि उन्होंने तो ब्लैक एडम को टकला दिखा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये कुछ ब्रेकडाउन तो नहीं था, ये सिर्फ रिव्यू था, ये सिर्फ मेरा एक्सप्रेशन था जो कि ट्रेलर को देखने के बाद बाहर आया है, तो बस यही तक। तो ये वाला ट्रेलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपने ट्रेलर देखा है तो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटे ना दबा दो और ऑल पर कर दो, वीडियो शेयर करो, और बस मिलते हैं वीडियो में, तब देख लिए, बाय बाय।